कपटी शकुनी। शकुनी गंधार राज सुबल का पुत्र था। गांधारी इसी की बहन थी। वह गंधारी के स्वभाव से विपरीत स्वभाव वाला था। जहां गंधारी के स्वभाव में उदारता, विनम्रता, स्थिरता और साधना की पवित्रता थी, वहीं शकुनी के स्वभाव में कुटिलता, दुष्टता, छल और दुराचार का अधिकार था। वह जीवन के उद्दात मूल्यों की तरफ कभी भी आकृष्ट नहीं हुआ। उसके सामने तो अपने या इससे आगे अपने संबंधियों का स्वार्थ रहता था। तभी तो वह अपने और अपने भांजों के स्वार्थ के कारण पांडवों की महान विपत्तियों का कारण बना। दुर्योधन को वह बहुत चाहता था। उसकी ओर से इसी ने युधिष्ठिर के साथ जुआ खेला था। पासे फेंकने में इसकी बराबरी और कोई नहीं कर सकता था। अपने इस अपूर्व कौशल के साथ ही इसने युधिष्ठिर को एक भी दांव जीतने का अवसर नहीं दिया। हर एक दांव युधिष्ठिर हारते चले गए। उन्होंने अपना सर्वस्व दांव पर लगा दिया। तब भी इस दुष्ट ने उन्हें इनकी पत्नी द्रौपदी को दांव लगाने पर उकसाया। युधिष्ठिर ने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। जब युधिष्ठिर सब कुछ हार गए तो उन्हें वचनबद्ध होकर वनवास को जाना पड़ा। वहां अनेकानेक आपत्तियों का सामना पांडवों ने किया। कौरवों ने अपने भाइयों की पराजय की खुशी मनाई। इन सब में गर्व से फूलने वाले दो व्यक्ति थे। एक था दुर्योधन और दूसरा था शकुनी। शकुनी ने महाभारत में युद्ध किया था। वह बड़ा ही अच्छा अश्वारोही था और गांधार के श्रेष्ठ अश्वों का रिसाला उसके पास ही था। सहदेव के साथ उसका युद्ध हुआ, जिसमें सहदेव ने उसे मार गिराया। उसके भाई और पुत्र आदि भी मारे गए। शकुनी सदा दुर्योधन की हाँ में हाँ मिलाना जानता था। कभी भी नेक सलाह उसने युधिष्ठिर को नहीं दी। कहा जाता है हसिनापुर में किसी राजनीतिक उद्देश्य के कारण ही रहता था। उसी कारण संभवतः गंधार राज सुबल ने अपनी पुत्री गंधारी का विवाह अंधे धृतराष्ट्र के साथ कर दिया था। कुछ लोग तर्क रखते हैं कि आखिर तो शकुनी कौरवों का मामा था, फिर यदि उसने उनके भले के लिए कोई बुरा काम किया तो वह एक संबंधी के लिए स्वाभाविक ही था। कौन ऐसा करेगा जो अपने संबंधी के भले के लिए प्रयत्न नहीं करेगा। लेकिन जहाँ तक जीवन की उदात्त चेतना का संबंध है, इस तरह के तर्क निराधार ही प्रमाणित होते हैं, क्योंकि शकुनी ने छल और कपट का आश्रय लेकर उस पक्ष का साथ दिया था जो अपने भाइयों के प्रति पूरी तरह अन्याय करने पर तुला बैठा था। जिन पुत्रों को स्वयं माता गांधारी ने आशीर्वाद नहीं दिया था, उनको शकुनी ने अन्याय की ओर अधिकाधिक प्रेरित किया। शकुनी का ऐसा करना यही व्यक्त करता है कि उसके हृदय में न्याय और सत्य की प्रेरणा नहीं थी। वह तो एक कुटिल व्यक्ति था जो अपने स्वार्थ के कारण जीवन की उदात्त गरिमा को ठुकराकर कितने भी नीचे गिर सकता था। महाभारत के पात्रों में जहां एक तरफ जीवन की श्रेष्ठता और उदात्त गरिमा बोलती है, उसके विपरीत शकुनी जैसे व्यक्तियों में शुद्धात्व का भी रूप में हमें मिल जाता है। कौरव पांडवों के ग्रह कलह में बहुत कुछ उत्तरदायित्व उसी पर है। यदि वह कुछ और ऊंचा उठकर सोच पाता तो पांडव भी उसके भांजे थे, उनके प्रति वह इस प्रकार विद्वेष नहीं रखता। उसी के कारण साध्वी द्रौपदी का भरी सभा में अपमान हुआ। बाद में जब महाभारत का हाहाकार चारों तरफ फैल चुका था, उसने अपनी कुटिलता नहीं छोड़ी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से युधिष्ठिर को पकड़ ले जाने की प्रार्थना की। वह चाहता था कि शकुनी मामा फिर युधिष्ठिर के साथ जुआ खेलकर उन्हें हरा दे, इस प्रकार उनको वनवास के लिए भेज दे, जिससे सारा युद्ध ही समाप्त हो जाए। उस समय भी शकुनी इसके लिए तैयार हो गया था। इस तरह देखा जाए तो पांडवों के कष्टों के लिए तो शकुनी उत्तरदायी है, बल्कि कौरवों के नाश के लिए भी एकमात्र कारण वही था। यदि जाए के समय वह छल नहीं दिखाता तो पता नहीं कौरव कुल का इस प्रकार भीषण अंत होता या नहीं। शास्त्र में भी कहा गया है कि मातुल सर्वनाश का कारण होता है।